डीसी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टी, ठीक है। तो पहला हमारा जो किसके करस्पॉन्डिंग है, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पहला है डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब जो पहला हमारा ये है कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसको कई सारे सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जो हमारी जो करंट है किस साइड से जा रही है, सप्लाई किस साइड से दी जा रही है, सिर्फ इस साइड से, यहाँ से, ठीक है। ये आपका सेंडिंग एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिस वन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आई वन है, आई टू है, आई थ्री है और यहाँ पे आई फोर है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। और हर सेक्शन का, ए बी सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, आर एफ ए बी, ठीक है। इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आर एफ ए बी, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आर एफ बी सी, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आर एफ सी डी और ये डी ई करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और ये ई एफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो आई होगी, ठीक है, आई कितनी होगी, आई के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर आपसे बोले करंट फीड फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ऐसे करंट फीड फ्रॉम पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट ए, तो आप क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू सिंपल से आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आई जो होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्शन डी ई में कितनी करंट जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ आई फोर करस्पॉन्डिंग, इधर तो कोई करंट नहीं जा रही है, नहीं, तो सिर्फ आई फोर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नीचे लिख लो करंट इन सेक्शन डी ई, तो क्या लिखेंगे, दैट इज आई फोर। उसी तरीके से अगर आप सी डी पोर्शन के करस्पॉन्डिंग, सेक्शन करस्पॉन्डिंग बात करें सी डी पोर्शन में, तो यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी, इस करंट का और इस करंट का सेक्शन, इन दोनों करंट का सम होगा, तो आई थ्री प्लस आई फोर, तो ये हो जाएगा आई थ्री प्लस आई फोर। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेक्शन में कितनी करंट होगी, तो आप क्या कहेंगे, आई टू प्लस इसमें करें इस सेक्शन की करंट, नहीं, तो ये है आपने लिखा बी सी सेक्शन में कौन सी करंट होगी, आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर ए बी सेक्शन में बात की जाए, तो ए बी सेक्शन में कौन सी करंट होगी, आई वन प्लस बी सी सेक्शन की करंट, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर करस्पॉन्डिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन, ठीक है, इन सेक्शन डी ई, तो क्या लिखेंगे, आई फोर इंटू डी ई, ठीक है। उसी तरह वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन सी डी की बात करें, सी डी की, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टेंस आर ऑफ सी डी और करंट कौन सी होगी, आई थ्री प्लस आई फोर, तो आई थ्री प्लस आई फोर, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आर ऑफ सी डी करस्पॉन्डिंग का। उसी तरीके से आर ऑफ बी सी की बात करें, तो बी सी सेक्शन की, तो बी सी सेक्शन में कितना करंट होगी, पहले तो करंट कितनी है, इसमें कितनी करंट होगी, दिस करंट प्लस दिस करंट, इसमें कितनी करंट है, आई थ्री प्लस आई फोर, तो क्या लिखेंगे,
आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इंटू आर ऑफ बी सी। ठीक है, उसी तरीके से ए बी की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इंटू आर ऑफ ए बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है बोलो। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला, मतलब बेसिक फार्मूला इसका है कि इस बेसिक फार्मूला करस्पॉन्डिंग। और वैसे भी अगर ये वोल्टेज पता है तो ये वोल्टेज कैसे निकलेगा वो सब हम करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, उस टाइप से प्रॉब्लम को टैली किया जाता है। अगर किसी को डाउट हो कि सर यहाँ पे हमको कुछ डाउट लग रहा है या जो भी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कमेंट में। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए इस सेक्शन का वोल्टेज, चलो इसमें एक बता ही देते हैं, जैसे मान लो यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी है। ठीक है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज ऑफ जो है ए पॉइंट का जो है वी के करस्पॉन्डिंग है। अगर हमको इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और ये हमको वोल्टेज पता है, तो ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी। तो क्या लिखेंगे, ये वोल्टेज अगर हम पता है और यहाँ का वोल्टेज पता है, वोल्टेज ड्रॉप, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको क्या कर दो, इस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दो सिंपली। नहीं भाई देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर वी ए है ये वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे, जो भी इसमें करंट होगी, मतलब जो भी करंट है आई इंटू आर ऑफ ए बी है, यही लिख करते थे ना, याद करो नेटवर्क में जिधर से जाते थे इधर से इधर करंट का डायरेक्शन। अगर कहीं भी डाउट हो ये कैसे आया, तो सिंपली रिप्रेजेंट कर दो ऐसे रेजिस्टेंस में, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इसको सिंपली ये करंट क्या है, आई। हमने क्या बताया था, करंट का डायरेक्शन जिधर से प्लस से माइनस। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस। ठीक है, ये वी ए होता है, ये वी बी होता है एक्चुअल में। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर से आई, जो भी है आर ऑफ ए बी, तो आर ऑफ ए बी करस्पॉन्डिंग। इस सर्किट में घूम जाओ तो जो पहले साइन है उसको पहले ले लो, माइनस वी ए प्लस आई इंटू आर ऑफ ए बी प्लस वी बी, तो यहीं से देख लो बराबर क्या होगा, जीरो। तो वी ए माइनस वी बी दिस भी इक्वल टू क्या मिला, आई आर आई इंटू आर ऑफ ए बी। क्लियर है कि नहीं, कभी कोई छोटा सा भी डाउट हो ना कि सर क्या है ये कैसे कर निकालेंगे, तो सिंपल सा बेसिक नेटवर्क हमेशा पढ़ लो। ठीक है, बेसिक नेटवर्क पकड़ के रखना है। तो बेसिक नेटवर्क से आपको सिंपली समझ में आ गया, यहाँ का वोल्टेज पता, अगर ये वोल्टेज पता है और यहाँ का वोल्टेज डिटरमाइन करना है और ये वोल्टेज ड्रॉप को पता है, तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ ए बी। तो वी बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसको लिखेंगे, जो भी है वी है तो वी है, तो वी ए है तो वी ए, जो भी आप लिखना चाहेंगे आर ऑफ ए बी, हमने बोला है वी के करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से जो भी है इसका निकालना है, इस पॉइंट का हमको ये पता हो, ठीक है, सी पॉइंट का, तो क्या लिखो, वी माइनस क्या होगा, दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। नहीं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे कितनी करंट है, आई इंटू आर ऑफ ए बी माइनस ये कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसमें कितनी करंट है, आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, मतलब आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इंटू क्या लिखेंगे, आर ऑफ बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कोई भी है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि सी का निकालना है तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे वी बी माइनस ये आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इंटू आर ऑफ बी सी। ठीक है, जिस सेक्शन का निकालना उसके करस्पॉन्डिंग करते चले जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। तो समझ में आया कि हमारा क्या था, अगर सप्लाई एक तरफ से आ रही है, जैसे हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन से, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट और सीधे न्यूमेरिकल। ठीक है,
इसका क्या एडवांटेज है, दोनों साइड से दिया जाए, तीसरे साइड से क्या है क्या नहीं है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन हमारा जो आज का डिस्कशन है वो किस पर है कि अगर वन साइड से अगर हम करंट सप्लाई दें, ठीक है, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में, तो हमको कैसे डिटरमाइन करना था, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई हम इस यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो समझ में आया कि हर सेक्शन का आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, पहले तो रेजिस्टेंस चाहिए, सिंपल सर, एक आप समझो कि एक नेटवर्क की तरीके से है। ठीक है, चूँकि इधर कोई करंट नहीं जा रही है तो इस वजह से इसका वोल्टेज ड्रॉप हमको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस करंट की बात करें तो इसमें करंट कितनी है, जीरो नहीं, क्योंकि इस साइड में कोई करंट नहीं जा रही, करंट इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में जा रही है, तो जिसकी वजह से इन ब्रांचों में करंट क्या होगी, हर ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो हमको वोल्टेज ड्रॉप भी आ सकता है। सबका वोल्टेज ड्रॉप पूछे, ठीक है, तो सबका वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस जो भी करस्पॉन्डिंग पूछ सकता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप ए बी बी सी सेक्शन, ठीक है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर पूछ सकता है, नहीं, टोटल वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ड्यूटर, तब क्या करेंगे, सभी सेक्शन का क्या कर देंगे, जो जो भी है इसमें करंट, मतलब इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इसमें तो जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इसमें कितनी करंट है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, नहीं, आई फोर इंटू आर ऑफ ए बी, फिर प्लस इसमें कितनी है, बस I1 निकाल दो, I2 प्लस I3 प्लस I4 इंटू आर ऑफ डी सी, फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, तो इसमें कितनी, I3 प्लस I4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 इंटू आर ऑफ सी डी, फिर I4 इंटू आर ऑफ डी ई करस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। बोलो किसी को डाउट हो, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, सबसे इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है जैसा आएगा, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा और सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, अगर यहाँ का 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ और कम ही होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, नहीं, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मान लो 10 है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ 9.5 मान सकते हैं, यहाँ पे 9.3 कुछ इस टाइप का हो सकता है, नहीं, लेकिन इतना क्यों वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा ना, इस वजह से, इस सेक्शन में यहाँ पे बात करें तो 9.2 होगा और यहाँ पे 9.1 मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा। अब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो पहले का टारगेट इसको बना लो, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो और ज़्यादा समझ में, बना लो इसको पहले से। चलिए क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग क्या है, ए टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर केबल ए बी, तो पहले ए बी केबल को बनाते हैं, नामकरण कर देते हैं, ये ए और ये बी, प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आपको तो पाते हैं, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, इसलिए प्रैक्टिस मास्टर। पहले क्वेश्चन को रीड करो, ए टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर केबल ए बी इज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, तो पहली बात इसको यहाँ से यहाँ तक जो 2 किलोमीटर है एल, उसको कन्वर्ट कर दो मीटर में। ठीक है, एंड सप्लाई लोड्स 100 एम्पियर, 150 250 एंड सिचुएटेड करस्पॉन्डिंग टू, अच्छा एक है 500 मीटर पे और एक है 1000, पहले 500 मीटर पे जितनी है L1 जो भी है इसका नाम कर दो C,
फिर एक 1000 पे ये हो गया डी, यहाँ से यहाँ तक 1000, फिर 1600 मतलब ये हो गया ई, यहाँ पे कर देते हैं ई, ठीक है। तीन सेक्शन बनेंगे, दिस वन और ये दिस वन। देखो पहले पे कितना है 100 एम्पियर, दूसरे पे कितना है 150 एम्पियर, और फिर तीसरे पे कितना है सॉरी 200 एम्पियर, फिर लास्ट वाले पे कितना है किसके करस्पॉन्डिंग 50 एम्पियर करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। और क्या क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये जो डिस्टेंस है 500 मीटर है यहाँ से, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी हुई है, कितनी दे रखी है 1000, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक 500, यहाँ से यहाँ तक 1000, तो ये कितने हो गए फिर से 500 मीटर। सारा सेक्शन को कन्वर्ट कर दो, फिर ये कितना है 116, तो 116 में से 1000 माइनस कर दो, तो ये हो गया 600, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। अब 2000 मतलब इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा 400। अब इन सबको ऐड करके देखो क्या 2000 है कि नहीं, हाँ सही है, तो इसका मतलब हर सेक्शन का लेंथ हमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। हर सेक्शन में करंट कितनी होगी वो बता सकते हैं, नहीं करंट इन सेक्शन ई डी ई बी कितना होगा 50 एम्पियर। डी ई की बात करें सेक्शन डी ई में तो कितना लिखेंगे 200 प्लस 50 कितना होगा 250 एम्पियर, सिंपल। फिर इसके बाद सी डी सेक्शन की बात करें, सी डी सेक्शन की बात करें तो ये कितना होगा 150 प्लस, इसमें ऐड कर दो तो 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो किसी को तो ऐसे लिख लो, बहुत दिक्कत हो जाती है ना कुछ लोगों को, तो ये कितना होगा 3 और ये हो गया 400 एम्पियर। फिर इसके बाद सी डी के बाद फिर आता है ए सी, ए सी की करस्पॉन्डिंग बात करें तो 100 प्लस 400 कितना हो गया 500, ये हो गया 500 एम्पियर करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हर सेक्शन में कितनी करंट हो गई ई, ठीक है, हर सेक्शन में कितनी करंट हो गई, ठीक है। नहीं अगर ऐसे दिखाना हो तो इसमें कितनी हो गई 50 एम्पियर, इसमें कितनी हो गई 50 प्लस ये कितना 250 ऐसे समझ लो, 100 और ये दोनों मिलकर कितना हो गए 400 एम्पियर, ये दोनों मिलकर कितना हो गए 500 एम्पियर। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो, सिंपल है एकदम नेटवर्क तरीके से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगा रहे तो फिर गलती होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद ठीक है, द फीडिंग पॉइंट ए, फीडिंग पॉइंट कौन सा है ये ए, कोई दिक्कत नहीं, ए के बारे में क्या बोला है, ईच कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.0 ओम, तो आर दिस इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ बोला ना ईच कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0 ईच कंडक्टर के लिए, ठीक है, और जबकि ये कैसा टू वायर सिस्टम है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 0.01 ओम/1000 मीटर, ठीक है, ईच कंडक्टर के लिए, चूंकि यहाँ पे टू वायर सिस्टम है तो दैट्स वाई क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी 0.02 ओम/1000 मीटर, अब इसके करस्पॉन्डिंग अब बताओ हमारा जो टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस इन सेक्शन एसी के लिए आर ऑफ एसी दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 500 × 0.02 ओम/1000 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, नहीं इससे 500 × 0.02/1000 कर दो, ठीक है, तो ये कितना है 0.01 ओम इस सेक्शन का आया। उसी तरीके से आर ऑफ सेक्शन ऑफ ये था एसी करस्पॉन्डिंग, अब सीडी करस्पॉन्डिंग, सीडी मतलब आर ऑफ
सीडी, तो वो कितना हो जाएगा, ये कितना है 400, नहीं सॉरी 500, ये भी है 500, तो 500 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 1000, इसका भी कितना आया 0.01, ठीक है। तो इस सेक्शन का 0.101 ओम और इस सेक्शन का 0.01 ओम का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब डी ई सेक्शन का आर डी ई, तो ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0000, ये कितना 12, तो 0.012, तो यहाँ का आया इस सेक्शन का 0.012 ओम, ठीक है। अब ईडी सेक्शन का, ईडी सेक्शन का क्या हो जाएगा 400 इंटू किसके करस्पॉन्डिंग, कितना जी 400 0.02 डिवाइड बाई 1000, ये इसको खा गया, तो ये 0.008 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसा है, तो यहाँ को इसके करस्पॉन्डिंग 0.008 ओम हो गया, ठीक है। तो पहला का टारगेट है, इसको पहले बना लो, ठीक है। करंट दिखाई दिया है, इस वजह से ऊपर वाले को लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे करंट को तो हमने डिनोट कर ही दिया सेक्शन वाइज। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। अब हमारा टारगेट है हर पॉइंट पे, बोला ना कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच पॉइंट, मतलब हमको हर पॉइंट पे क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, पॉइंट एट पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट इज द मेंटेन एट अ पॉइंट ए, मतलब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज वी ए की वैल्यू जो दिया है वो किसके करस्पॉन्डिंग है 300 वोल्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का सबका निकालना है, तो जब भी ये पता हो तो ये बताओ वोल्टेज ड्रॉप मिल गया तो हमको ये मिल जाएगा। फिर ये मिलने के बाद क्या बताया था हमने, सिंपली कहीं पे भी रही ऐसे रेजिस्टेंस हो, करंट देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे मैच करा लो, तो जो भी है आर ऑफ ए सी, ये क्या है ए पॉइंट और ये क्या है सी पॉइंट, कभी भी डाउट हो प्लस माइनस, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस प्लस माइनस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप कहोगे सर बार बार क्यों बता रहे हो, इस वजह से बता रहे हैं कन्फ्यूज़न बहुत होता है, और ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेटवर्क सिस्टम का नहीं किए होंगे, वो डायरेक्ट इसी का कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन क्या पढ़ा है हमें तो पता नहीं। तो वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर ए वी ए माइनस आई ए आई इंटू आर ऑफ ए सी, ठीक है। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एट लोड सी, ठीक है। तो नीचे लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस एट लोड सी, वी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सीधे डायरेक्ट, करंट का डायरेक्शन ऐसा है इसका मतलब वी ए माइनस इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप, नहीं तो जो भी है करंट I इंटू कितनी है R ऑफ ए सी, ठीक है। तो VA की वैल्यू कितनी है 300, ये था ना ये 300, हाँ ये कितना है 300 वोल्ट, माइनस I की वैल्यू कितनी 500 और ये कितना है 0.01, ठीक है। इसका इस पर मल्टीप्लाई तो ये कितना जाएगा सॉरी 295 वोल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको निकालना वी बी वी डी की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे इसका निकालना, अगर ये सही है तो ठीक है, तो वी सी माइनस क्या लिखेंगे डायरेक्ट वी सी माइनस इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप, जो भी करंट है इसमें, इसमें कितनी करंट है आई एफ सी डी, ऐसे लिखो आई एफ सी डी या इसको लिख सकते हो आई एफ ए सी, आई एफ सी डी इंटू आर एफ सी डी ज़्यादा सही है, ये 295, देखो एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा गया, ठीक है। इसमें से इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप माइनस 400
इंटू 0.01, 295 माइनस ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 291, तो वी डी हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, वी ई, वी ई की वैल्यू क्या होगी, वी डी माइनस आई डी ई इंटू आर डी ई। वी डी की वैल्यू कितनी है 291 माइनस आई डी कितना है 250 इंटू 0.15। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कल से कर लो या अपना ऐसे कर लो। ठीक है, तो 25 इंटू 0.012 ये जो भी आया 3, तो 3 तो 288 वोल्ट आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट है लास्ट वन, वी ई हो गया और वी बी। व्हाट अबाउट वी बी, वी बी की वैल्यू निकालनी है, तो वी बी के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ई माइनस ई बी इंटू आर ई बी, दैट इज 288, दैट इज 288 माइनस 50 इंटू 0.08। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लो, 50 इंटू 0.008, ठीक है, तो ये हो जाएगा 287.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सबके, क्लियर है कि नहीं, हर पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जो बोला था, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम सिंपल है, नेटवर्क तरीके से बनाते जाओ। बस यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि बोला टू वायर डीसी, यहाँ पे बोला टू वायर सिस्टम है, और जबकि यहाँ पे बोला है कि जो 0.01 ओम पर 100, ये जो है दिया है ना, ईच कंडक्टर, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 0.01 पर 1000 करस्पॉन्डिंग है। तो चूंकि टू वायर सिस्टम है, तो हमको क्या करना, बट टू से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये पकड़ना है, इसके बाद अगर कुछ है नहीं, उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन है, आप निकालते जाओ। ये वोल्टेज हमको पता है, हमेशा देखो, जब यहाँ का वोल्टेज पता है तो इधर से चलो, न कि यहाँ से नहीं, बल्कि यहाँ से, ये पता है, उस इस वोल्टेज में से इसको माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, ये वोल्टेज मिल गया तो इस वोल्टेज को माइनस करोगे तो ये मिलेगा, नहीं तो आप देख रहे हो पोटेंशियल क्या, और डिक्रीज करा, सबसे मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पे और सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे, तो कभी चेक कर लो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखो वी बी, जो वी बी आया है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 287.6, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है 288 वोल्ट, वी डी की करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज 291 वोल्ट, ठीक है, और वी सी की करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना, 295 वोल्ट की करस्पॉन्डिंग, और यहाँ का देखो 300 है। तो देखो वोल्टेज कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई, हमेशा इधर से डिक्रीमेंट होना चाहिए वोल्टेज, ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक है, या इधर होना चाहिए तो असेंडिंग अंडर, सबसे कम, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, तो कभी भी डाउट हो, गड़बड़ हो रहा है, क्या है, तो जब निकालोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अगर कोई बीच में से ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब कहीं हमने मिस्टेक की है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बना लो जल्दी से इसको।